YouTube चैनल अद्भुत शब्द बाण पर उपस्थित समस्त श्रोताओं का, भक्तों का और सब्सक्राइबर बंधुओं का एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी कथा चल रही थी देवी भागवत पुराण में से, और उस का एक भाग माता लक्ष्मी ने किस कारण से पृथ्वी लोक में आकर के घोड़ी का रूप धारण किया, ये मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था। और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि माता लक्ष्मी को पुनः स्वर्ग प्राप्ति कैसे हुई, कैसे उन्होंने अपने घोड़ी के रूप का त्याग किया। तो देखिए श्रोताओं, भगवान श्री हरि विष्णु के श्राप से श्रापित होकर माता लक्ष्मी गंगा और तमसा नदी के संगम पर भगवान शिव की आराधना करने लग जाती है। श्रोताओं, माता लक्ष्मी ने 1000 दिव्य वर्ष तक भगवान शंकर की तपस्या की, और जब 1000 दिव्य वर्ष तपस्या करते हुए व्यतीत हो गए तो श्रोताओं, आशुतोष भगवान शंकर प्रसन्न हुए और वरदान देने के लिए जगत जननी माता लक्ष्मी के सम्मुख उपस्थित हुए और माता लक्ष्मी से जाकर के कहने लगे, हे मातेश्वरी, हे जगत जननी, आप अपने पति को छोड़ करके मेरी आराधना किस प्रयोजन से कर रही हैं? हे देवी, भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले जगतपति वासुदेव जगन्नाथ विष्णु को छोड़कर इस समय आप मेरी आराधना क्यों कर रही हैं? स्त्रियों के लिए पति ही उनका देवता होता है, इस वेदोक्त वचन का उन्हें पालन करना चाहिए, किसी दूसरे में कभी भी आसक्त नहीं होना चाहिए। हे देवी, पति की सेवा करना ही स्त्रियों का सनातन धर्म है। हे कल्याणी, यदि कोई भी स्त्री अपने पति की सेवा नहीं करती तो वो नरक गामिनी होती है। भगवान विष्णु तो सर्वथा सभी प्राणियों की आराधना के योग्य है। लक्ष्मी बोली, हे आशुतोष, हे महेश, हे शिव, हे देवेश, हे दया निधान, मेरे पति ने मुझे श्राप दे दिया, अतएव इस श्राप से आप मेरा उद्धार कीजिए। हे शंभु, उस समय मेरे बहुत पूछने पर दयालु भगवान विष्णु ने श्राप से मुक्ति का ये उपाय भी बतला दिया है कि हे कमलालये, जब तुम्हें एक पुत्र उत्पन्न होगा तुम श्राप से मुक्त हो जाओगी और तुम पुनः वैकुंठ धाम में आ जाओगी। हे देव, श्री विष्णु के इस प्रकार कहने पर मैं तपस्या करने के लिए इस तपोवन में आ गई और संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति करने वाले आप परमेश्वर की आराधना करने लगी। हे देव, मुझ निर अपराध पत्नी को छोड़कर वे विष्णु तो वैकुंठ में विराजमान हैं, अतएव पति के सानिध्य के बिना मैं पुत्र कैसे प्राप्त करूं? हे देवेश, हे शंकर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे वर दीजिए, आप तथा श्री हरि में निश्चित रूप से कोई भेद नहीं है। हे गिरजाकांत, हे हर, जब मैं पति देव के पास थी तभी मुझे ये ज्ञात था कि जो आप हैं वही वे हैं तथा जो वे हैं वही आप हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। आप तथा श्री विष्णु में एकत्व तो जानकर ही मैंने आपका स्मरण किया, अन्यथा हे शिव, आपका आश्रय लेने पर तो मुझे दोष लगता। शिव बोले, हे देवी, हे सुंदरी, मेरे तथा उन विष्णु के एकत्व का ज्ञान तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? हे सिंधुजे, मुझे सच सच बताओ, देवता मुनि ज्ञानी वेदों के तत्वदर्शी विद्वान भी इस तरह तरह के कुतर्कों में ग्रस्त पड़े रहने के कारण मेरे और श्रीहरि विष्णु के एक रूप को नहीं समझ पाते। मेरे बहुत से भक्त भगवान वासुदेव के निंदक हैं तथा श्री विष्णु के भक्त मेरी निंदा में लगे रहते हैं। हे देवी, काल भेद के कारण कलयुग में ऐसे लोग विशेष रूप से होंगे। हे भद्रे, दूषित आत्मा वाले लोगों द्वारा दुर्जे इस एकत्व को आप कैसे जान गई? मेरे तथा विष्णु का एक भाव जान पाना सर्वथा दुर्लभ है। व्यास जी बोले, परम प्रसन्न हुए भगवान शंकर के इस प्रकार पूछने पर अत्यंत प्रसन्न मुख वाली हरिप्रिया लक्ष्मी जी ने ज्ञात प्रसंग को भगवान शंकर से कहना आरंभ कर दिया। लक्ष्मी जी बोली, हे भगवान शिव, एक बार भगवान विष्णु एकांत में पद्मासन लगा करके ध्यान अवस्था में
तपस्या में लीन थे। जब मैंने उन्हें देखा तो विस्मय करते हुए पूछा कि हे भगवान, हे देव, हे जगन्नाथ, हे प्रभु, जिस समय ब्रह्मा आदि सभी देवताओं और दैत्यों के द्वारा समुद्र का मंथन हुआ और समुद्र मंथन से मैं निकली, तो उस समय पति की इच्छा से मैंने सभी की ओर देखा। सभी देवताओं की अपेक्षा आप ही श्रेष्ठ हैं, ऐसा निश्चय करके मैंने आप ही का वरण किया। अतएव हे सर्वेश, फिर आप किसका ध्यान कर रहे हैं? मुझे ये महान संदेह है। हे देव, आप मेरे प्रिय हैं, अतः अपने मन की बात मुझे बताएं। तो भगवान विष्णु बोले, हे प्रिया, मैं जिन सुरश्रेष्ठ आशुतोष माहेश्वर तथा पार्वती पति शंकर का ध्यान हृदय में कर रहा हूं, उनके विषय में बताऊंगा, ध्यान से सुनो। असीम पराक्रम संपन्न देवादिदेव भगवान शंकर कभी मेरा ध्यान करते हैं और कभी मैं भगवान शंकर का ध्यान करता हूं। शिव का प्रिय प्राण मैं हूं तथा मेरे प्रिय प्राण वे हैं। इस प्रकार परस्पर अनुरक्त चित्त वाले हम दोनों में कोई अंतर नहीं है, हम दोनों में कोई भेद नहीं है। हे श्रोताओं, ये बात सुनकर के हे विशाल नेने, मेरे जो भक्त शंकर से द्वेष करते हैं वे निश्चित रूप से ही नरकगामी होते हैं, मैं ये सत्य कह रहा हूं। हे गिरजावल्लभ, एकांत में मेरे पूछने पर सर्व समर्थ देव देव भगवान विष्णु ने ऐसा बताया। अतएव आपको विष्णु का परम प्रिय जानकर मैंने आपका ध्यान किया। अब जैसे मुझे पति सानिध्य प्राप्त हो, प्रभु आप वैसा कीजिए। व्यास जी बोले, लक्ष्मी जी का ये वचन सुनकर के वाणी विशारद भगवान शंकर ने मधुर वचनों से उन्हें आश्वासन देकर के कहा कि हे पृथु श्रोणी, धैर्य रखो, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, पति से तुम्हारा मिलन अवश्य होगा, इसमें संदेह नहीं है। वे भगवान जगदीश्वर मुझसे प्रेरित होकर के तुम्हारी कामना पूर्ण करने के लिए अश्व का रूप धारण करके यहीं आएंगे। मैं उन मधुसूदन को इस प्रकार से प्रेरित करूंगा जिससे वे मदातुर होकर के अश्व का रूप धारण करके तुम्हारे पास आएंगे। हे जगत जननी, उन्हीं नारायण के समान तुम्हें पुत्र उत्पन्न होगा, वह पृथ्वी पर राजा के रूप में प्रतिष्ठित होगा तथा सभी लोगों से नमस्कृत होगा। हे महाभागे, इस प्रकार पुत्र प्राप्त करने के बाद तुम उन्हीं के साथ वैकुंठ को चली जाओगी और हे देवी, वहां उनकी प्रिया कहलाओगी। आपका वह पुत्र संसार में एक वीर के नाम से जाना जाएगा और इस नाम से लोकों में ख्याति प्राप्त करेगा, पृथ्वी पर उसी से एक नए वंश का विस्तार होगा। किंतु मदांध एवं मदाचित होकर तुमने हृदय में सदा विराजमान रहने वाली परमेश्वरी जगदम्बा का विस्मरण कर दिया है, उसी से तुम्हें ये फल मिला है। अतः हे सिंधु पुत्री, उस दोष के समन के लिए तुम हृदय में विराजमान रहने वाली परम देवी की शरण में सर्व भाव से जाओ। यदि तुम्हारा मन भगवती में लगा होता तो उत्तम घोड़े पर सवार होकर के रेवंत तुम्हारे पास कभी नहीं जाता। इस प्रकार देवी लक्ष्मी को वरदान देकर के गिरजापति भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए और सुंदर अंगों से सुसज्जित माता लक्ष्मी ने माता जगदम्बा का ध्यान आरंभ कर दिया। श्री हरि के अश्वरूप धारण करके आने की प्रतीक्षा करने लगी और माता जगदम्बा का स्मरण करने लगी। भगवान शंकर कैलाश पर पहुंचकर भगवान शंकर ने अपने एक गण चित्ररूप को बुलाया और उसे कहा कि हे गण, हे चित्ररूप, तुम मेरी आज्ञा से श्री हरि विष्णु के पास जाओ और उन्हें मेरा संदेश सुनाइए। श्रोताओं, भगवान शंकर का संदेश लेकर के चित्ररूप वैकुंठ धाम में पहुंच जाते हैं और वैकुंठ धाम में द्वार पर खड़े हुए द्वारपाल, जो कि भगवान विष्णु के द्वारपाल थे, उनसे कहने लगे कि तुम लोग शीघ्र ही भगवान विष्णु को सूचित कर दो कि सूल पाणी शिव द्वारा भेजा गया उनका दूत उनसे मिलने आया है। उनकी बात सुनकर के परम बुद्धिमान जय श्री हरि के पास जाकर उन्हें प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर बोला, हे देव देव, हे रमाकांत, हे करुणाकर, हे केशव, भगवान शंकर का दूत
आया हुआ है। वह द्वार पर खड़ा है, हे गरुड़ध्वज आप आदेश दीजिए कि उसे प्रवेश कराया जाए अथवा नहीं। उसका नाम चित्ररूप है, मैं उसके आने का प्रयोजन नहीं जानता। ऐसा सुनकर के दूत के आने का कारण पहले से ही जानने वाले भगवान विष्णु ने जैसे कहा, द्वार पर रुके हुए भगवान शंकर के उस भृत्य को यहां लेकर के आओ। ये सुनकर के शीघ्रता पूर्वक जाकर अंदर आइए। ऐसा सुनकर शंकर सेवक परम अद्भुत चित्र रूप से जैने जाकर के कहा, अपने चित्र रूप नाम के समान ही आकृति वाले उसको जैने प्रवेश कराया। तब विष्णु को साष्टांग प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर वहां उनके समक्ष हुए खड़ा हो गया और विनय युक्त भगवान विष्णु से शंभु सेवक इस तरीके से कहने लगे, हे रमापति, हे देवेश्वर, मुझे भगवान शंकर ने आपको एक विशेष कार्य संपादित करने के लिए भेजा है। तत्पश्चात रमापति विष्णु ने मुस्कुराकर उस चित्र रूप से पूछा, हे पुण्यात्मन, सपरवार देवादिदेव शंकर जी कुशलपूर्वक तो है, तुम यहां किस लिए भेजे गए हो? शंकर जी का कौन सा कार्य है अथवा देवताओं का कोई काम हो तो मुझे बताओ। हे गरुड़ध्वज, दूत कहने लगा, हे त्रिकालज्ञ, इस संसार की कौन सी बात आपको विदित नहीं है, तथापि इस समय जो बात है उसे मैं आपसे कह रहा हूं। हे जनार्दन, उस बात को बताने के लिए मैं शंकर जी के यहां द्वारा यहां भेजा गया हूं। हे प्रभु, शिव जी के कहे गए शब्दों में मैं आपसे कह रहा हूं। हे देवेश, उन्होंने कहा है कि हे विभो, आपकी भार्या लक्ष्मी यमुना और तमसा नदी के संगम पर तपस्या कर रही है। देवगण मानव यक्ष तथा किन्नरों के द्वारा आराधना योग्य एवं समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाली देवी घोड़ी का रूप धारण किए हुए उन देवी के बिना इस जगत का कोई भी प्राणी सुखी नहीं रह सकता। हे पुंडरीकाक्ष, हे हरे, उनका परित्याग करके आप कौन सा सुख प्राप्त कर रहे हैं? हे जगतपते, दुर्बल तथा निर्धन व्यक्ति भी अपनी भार्या की रक्षा करता है। तब हे विभो, आपने बिना अपराध के ही उन जगदीश्वरी का त्याग क्यों कर दिया? हे जगत गुरु, जिसकी भार्या संसार में दुख प्राप्त करती है उसके जीवन को धिक्कार है, ऐसा व्यक्ति शत्रु समुदाय में भी निंदित होता है। आपके स्वार्थी शत्रु इस समय लक्ष्मी जी को देख करके अत्यंत प्रसन्न और आपका उपहास कर रहे हैं। हे देवेश, आप सभी लक्षणों से संपन्न सुशीला तथा सुंदर रूप वाली लक्ष्मी जी को अपने अंक में विराजमान कीजिए और उनके साथ आनंद प्राप्त कीजिए। सुंदर मुस्कान वाली प्रिया लक्ष्मी को प्राप्त कर आप सुखी हो जाइए। उदास रहता हुआ मैं भी भगवान शंकर के वचनों को कह रहा है दूत भगवान श्रीहरि विष्णु से, मैं भी स्त्री वियोग से उत्पन्न दुख को समझता हूँ। हे विष्णु, हे कमल नयन, जब मेरी भार्या सती दक्ष प्रजापति के यज्ञ में मृत हो गई तब मुझे असहनीय दुख भोगना पड़ा। उसके विरह में पीड़ित होकर मैं मन में ये शोक करता हुआ कि संसार में मेरे जैसा कोई अन्य व्यक्ति नहीं हो जो सती क्रोधवश दक्ष के यज्ञ में जलकर भस्म हो गई थी। उसे मैंने बहुत समय तक कठोर तपस्या करके गिरजा के रूप में पुनः प्राप्त किया। हे हरे, आपने अपनी भार्या को छोड़ करके 1000 वर्ष की अवधि तक अकेले रहते हुए कौन सा सुख प्राप्त कर लिया? अतः आप महाभाग लक्ष्मी के पास जाएं और उन्हें आश्वासन देकर के अपने घर ले आएं। इस संसार में कोई भी प्राणी उन लक्ष्मी से विमुक्त ना होने पाए। हे आयुष्मान, आप अभी अश्वरूप धारण करके पवित्र मुस्कान वाली लक्ष्मी के पास जाइए और पुत्र उत्पन्न करके उन्हें वैकुंठ ले आइए। तब व्यास जी बोले, हे भरत नंदन, चित्र रूप की वह बात सुनकर के भगवान विष्णु ने कहा, ठीक है। ऐसा कहकर उस दूत को शंकर जी के पास भेज दिया। तत्पश्चात दूत के चले जाने पर भगवान विष्णु मनोहर अश्वरूप धारण कर काम युक्त होकर शीघ्र ही वैकुंठ से वहीं पर पहुंचे जहां घोड़ी का रूप धारण करके सिंधु तनिया लक्ष्मी जी तपस्या कर रही थी। विष्णु जी ने उस स्थान पर पहुंचकर है रूप धारणी लक्ष्मी जी को विराजमान देखा। अश्व का रूप धारण किए हुए अपने पति गोविंद को देखते ही लक्ष्मी जी ने उन्हें पहचान लिया और वे साध्वी विस्मय में पड़कर
अश्रुपूरित नेत्रों से देखती हुई वहां खड़ी रही। यमुना और तमसा के लोक प्रसिद्ध संगम पर कामार्थ एक भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का समागम हुआ। इस प्रकार अश्वरूप धारिणी वे विष्णु प्रिया गर्भवती हो गईं और वहीं पर उन्होंने सद्गुणों से संपन्न एक पुत्र को जन्म दिया। भगवान विष्णु ने हंसकर उनसे ये समयोचित बात कही, तुम अब अपना ये अश्वी रूप छोड़ दो और पहले जैसा शरीर धारण करो। हे सुलोचने, अब हम दोनों दिव्य देह धारण करके अपने वैकुंठ धाम को चलेंगे और तुमसे उत्पन्न ये कुमार अब यही रहेगा। लक्ष्मी बोली, हे देवश्रेष्ठ, अपने शरीर से उत्पन्न पुत्र को छोड़कर कैसे जाऊं? आपने पुत्र के प्रति स्नेह का त्याग करना अत्यंत कठिन है। हे अमेयात्मन, इस निर्जन नदी तट पर इस लघु काय अनाथ एवं असमर्थ बालक की क्या दशा होगी? हे कमल नयन, हे स्वामिन, इस आश्रयहीन पुत्र को छोड़कर मेरा दयालु मन यहां से जाने के लिए भला कैसे तैयार हो सकता है? तत्पश्चात लक्ष्मी जी तथा भगवान विष्णु दोनों दिव्य शरीर धारण कर उत्तम विमान पर विराजमान हुए। देवगण अंतरिक्ष में उनकी स्तुति करने लगे। वैकुंठ के लिए प्रस्थान करने के इच्छुक भगवान विष्णु से माता लक्ष्मी कहने लगी कि हे नाथ, मैं इस पुत्र का त्याग नहीं कर सकती, अतएव इसे भी साथ ले लीजिए। हे प्रभु, मेरा ये प्राण के समान प्रिय पुत्र कांति में आप ही के सदृश है। हे मधुसूदन, इसे लेकर हम दोनों वैकुंठ को चलेंगे। तो भगवान श्री हरि विष्णु कहने लगे कि हे प्रिया, हे वरानने, इस पुत्र के विषय में शोक करना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। ये सुखपूर्वक यही रहे, मैंने इसकी रक्षा का उपाय कर दिया है। हे सिंधुजा, इस पुत्र के यहां छोड़ने के पीछे कोई महान तथा आश्चर्यजनक कारण छिपा है, मैं उसे बता रहा हूं, तुम जान लो। इस पृथ्वी पर ययाति के पुत्र तुवर्षु नामक एक प्रसिद्ध राजा है। उनके पिता ने उनका लोक प्रसिद्ध नाम हरिवर्मा रखा। इस समय वह पुत्र की कामना से और पवित्र तीर्थ में तपस्या कर रहे हैं। उन्हें तप करते हुए पूरे 100 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। हे कमल नयन, उन्हीं के लिए मैंने ये पुत्र उत्पन्न किया है। और हे सुभ्रु, वहां राजा के पास जाकर मैं उन्हें इसी समय भेज दूंगा। हे प्रिय, पुत्र के अभिलाषी उन्हीं राजा के लिए ये पुत्र दे दूंगा और वे इस बालक को लेकर अपने घर चले जाएंगे। व्यास जी बोले, इस प्रकार अपनी प्रिया भारिया को आश्वासन देकर उस बालक की रक्षा का प्रबंध करके भगवान विष्णु उत्तम विमान पर आरूढ़ हो जाते हैं। उस बालक को उसी निर्जन वन में छोड़ देते हैं जहां वह बालक उत्पन्न हुआ था, और वहां छोड़ करके भगवान श्री हरि विष्णु अपने यान में बैठ करके वैकुंठ धाम को चले जाते हैं। श्रोताओं, और वह नवजात शिशु माता लक्ष्मी के गर्भ से जो उत्पन्न हुआ था उसी तमसा और गंगा के संगम पर पड़ा हुआ है। श्रोताओं, यहां से आगे का वीडियो मैं आपकी सेवा में कल लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए आप सभी से अनुमति चाहता हूं इस वीडियो को विराम देने की। श्रोताओं, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।